5 अदद चोरी की मोटरसाइकिल बरामद, एक अभियुक्त गिरफ्तार। दिनांक 5/6/2018 को पुलिस अधीक्षक ललित कुमार सिंह व अपर पुलिस अधीक्षक शैलेंद्र कुमार श्रीवास्तव व क्षेत्र अधिकारी नगर राजकुमार यादव जनपद मऊ के दिशा निर्देश में चलाए जा रहे अभियान के तहत SSI संजय कुमार सरोज व हमराही उप निरीक्षक शंकर सिंह राठौर, कांस्टेबल हेमंत कुमार, अजय कुमार यादव, अर्जुन सिंह, गोकर कुमार मैं जीप सरकारी व चालक विनोद कुमार यादव व SOG टीम सेकंड के उप निरीक्षक बेचन कुमार सिंह, अमित कुमार मिश्रा हेड कांस्टेबल, सेनापति सिंह कांस्टेबल, जवाहर लाल सरोज, अजय यादव, सुशील यादव, विवेक कुमार पांडे मैं वाहन सरकारी चालक, शत्रुघ्न यादव मैं हमराही कर्मचारी गढ़ के साथ अभियान के तहत जा रहे थे। तभी मुखबिर से सूचना मिली कि कुछ चोर चोरी की मोटरसाइकिल लेकर पिपरीडी से बड़ुआ गोदाम होते हुए गाजीपुर जाने वाले हैं। मुखबिर की सूचना पर विश्वास करते हुए उक्त पुलिस बल वन देवी मंदिर गेट कहीं और पहुंचा कि पिपरीडी की तरफ से आती मोटरसाइकिलें दिखाई दी। नज़दीक आने पर मुखबिर ने इशारा किया और हट गया। नज़दीक आने पर टॉर्च की रोशनी से पुलिस बल ने रोकने का प्रयास किया। पुलिस वालों को देखकर मोटरसाइकिल सवार पीछे मुड़कर भागने की कोशिश करने लगा। तभी पुलिस गढ़ ने आपसी मदद से वन देवी मंदिर गेट के पास के एक अभियुक्त योगेश कुमार पुत्र रामानंद थाना मर्दा जनपद गाजीपुर को पकड़ लिया तथा एक व्यक्ति नीतीश पांडे पुत्र लक्ष्मण पांडे साकिन गाजीपुर थाना मर्दा जनपद गाजीपुर मौके से अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में सफल रहा। पकड़े गए व्यक्ति की निशानदेही पर 3 अदद मोटरसाइकिल भैसही पुल के पास से बरामद हुई। अभियुक्त से पूछताछ पर बताया कि हम लोग मोटरसाइकिलों की चोरी करके 5-6 हज़ार रुपये में जनपद मऊ से चोरी मोटरसाइकिल गाजीपुर व गाजीपुर से चोरी मोटरसाइकिल मऊ में बेचते हैं। हम लोग आज भी 2 मोटरसाइकिलें लेकर गाजीपुर बेचने जा रहे थे कि आप लोगों ने पकड़ लिया। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम को पुलिस अधीक्षक मऊ द्वारा 5,000 रुपये का पुरस्कार दिया गया। PLL न्यूज़ के लिए मऊ से सरफराज अहमद की रिपोर्ट। बोलो। कितनी बाइक आप तो चोरी कर चुके हो? क्या करते हो फिर इनका? तो कितने का बेचता है? चुराते कैसे हो? कितने सालों से कर रहे हैं? क्यों करते हो ऐसा? क्या कारण है ऐसा करने का? पैसा कमाने का? पढ़ाई करते हो? पढ़ाई करते हो? उम्र कितनी है तुम्हारी? उम्र कितनी है? देखिए, जनपद में पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा एक बहुत ही बृहद अभियान चलाया जा रहा है अपराध और अपराधियों के लिए। इसमें काफ़ी पुलिस को, जनपद पुलिस को सफलता मिल रही है। विशेषकर सरायला कंसी SO और SWAT टीम द्वितीय काफ़ी एक्टिव है। इन्होंने काफ़ी बरामदगियाँ वगैरह की हैं और कल जो है इन्होंने एक ये मोटरसाइकिल चोर है जो अरेस्ट हुआ है योगेश कुमार, ये और इसका एक साथी नितेश पांडे। ये सूचना मिली कि ये दोनों लोग जो है मोटरसाइकिल चोरी मोटरसाइकिल से आ रहे हैं और बेचना चाह रहे हैं। पुलिस ने जब इनकी घेराबंदी की है पिपरीडी के आसपास, तो एक इनका साथी जो नीतीश था वो मोटरसाइकिल छोड़ के भाग गया है। मौके से 2 मोटरसाइकिल बरामद हुई। उसके बाद जब इनसे बेहद पूछताछ की गई SO साहब संजय सरोज द्वारा, तो इनके द्वारा बताया गया कि ये भैंसही पुल के पास चोरी की 3 अन्य मोटरसाइकिलें इनके द्वारा चुरा के रखी गई हैं। तो मौके से ही वो 3 मोटरसाइकिलें बरामद हुई हैं और ये किसी निश्चित तौर पे मोटरसाइकिल चोरी की कुछ लगाम लगेगी। पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा इस पे उत्साहवर्धन है तो इस टीम को 5,000 रुपये का नगद पुरस्कार दिया गया। सर, ये रहने वाले कहाँ के हैं? ये है योगेश कुमार पुत्र रामानंद साकिन सिगेरा थाना मर्दा जनपद गाजीपुर। नीतीश कुमार का भी यही पता है, वो उसका गांव है राजगीरपुर थाना मर्दा। काफ़ी समय से ये लोग करते थे इस तरह घटना? जी ये काफ़ी समय से करते थे और चोरों का ये है कि आप जितना उनसे पूछताछ कर लीजिए
जो बरामदगी है उसके अलावा कुछ नहीं बताते, लेकिन इनके और भी कौन साथी लोग हैं, इसके अलावा नीतीश के अलावा कौन साथी लोग हैं, क्या है, इनके जानने का प्रयास किया जा रहा है। बहुत सारी जगह सीसीटीवी फुटेज वगैरह हैं, हम लोगों के पास चोरी करते हुए उनके लाइव फुटेज हैं, उसे भी मैच कराया जा रहा है, अन्य गैंग के मेंबर्स का पता लगाया। सर कितनी संख्या में गाड़ियां हैं और कितनी संख्या में गाड़ियां बरामद हुई हैं और क्या बरामद हुई? ये देखिए 5 गाड़ियां हैं, एक हीरो होंडा ग्लैमर है, बजाज डिस्कवर है, हीरो होंडा स्प्लेंडर है, बजाज डिस्कवर एक है, और एक हीरो सीडी डीलक्स है। ये इतनी 5 हैं, 5 गाड़ियां हैं। क्या सर ये अल्पत जनपद गिरोह से जनपद है? बिल्कुल, देखिए एक जनपद, इनका कोई जनपद ठिकाना एक तो है नहीं, ये खुद गाजीपुर के रहने वाले, यहाँ अभी हमको चोरियों का पता चला है, और भी पूछताछ किया जाएगा तो और भी अन्य जनपदों में भी इनके द्वारा मोटरसाइकिलें चोरी करना ये है। बहुत इजीली ये चोरी हो जाती हैं, थोड़ी सी पुरानी मोटरसाइकिलें हैं, चाबी उसमें उसका लॉक घिस जाता है, कोई भी पुरानी चाबी डाल के खोल लेती है और ले जाकर 3-4 हज़ार 5 हज़ार तक में भेजती है।